बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग एम्फीबियंस को स्टडी कर रहे हैं और एम्फीबियंस के अंदर आज हम जो देखेंगे चीज़ रेड इज एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। तो जो किडनीज होती हैं बेटे, वो एम्फीबियंस में होती हैं, जो कि आपके पास एक्सक्रीशन के लिए बेसिक ऑर्गन हैं। आपके पास एम्फीबियंस के अंदर ये कहाँ लोकेट होती हैं? ऑन आइदर साइड ऑफ द डॉर्सल एओर्टा। डॉर्सल एओर्टा जो हार्ट से निकल के आ रहा होता है उसकी डॉर्सल साइड के ऊपर, दोनों साइड के ऊपर, राइट पे और लेफ्ट साइड पे भी होंगी। और बॉडी के ऊपर कहाँ पे होंगी? बॉडी कैविटी की डॉर्सल वॉल के ऊपर लोकेट होंगी। और यहाँ से एक डक्ट निकल के जा रही होती है किडनीज के अंदर से, जो कि क्लैका की तरफ मूव कर रही होती है। और क्लैका जो है ना, आपके पास उसमें से एक वेंट्रल आउटग्रोथ निकलती है, जो कि स्टोरेज ऑर्गन है, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। तो बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पर आपको मिलता है, जो कि क्या है? वेंट्रल आउटग्रोथ ऑफ दी क्लैका। अब अगर हम नाइट्रोजनस वेस्ट की बात कर लेते हैं, तो एम्फीबियंस जो है ना, अमोनिया भी एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया भी एक्सक्रीट करते हैं। अब जो एम्फीबियंस फ्रेश वाटर में रहते हैं, वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, जो कि इमीडिएट प्रोडक्ट है किसी भी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, और कोई भी एनर्जी यहाँ पर खर्च नहीं होती है कि किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए। अलबत्त अमोनिया टॉक्सिक बहुत होता है, तो उसका इफेक्ट कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, टॉक्सिक इफेक्ट को कैसे अवॉइड किया जाता है? चूँकि अमोनिया जो है वो आपके पास टॉक्सिक है, लेकिन इसको जितनी देर बॉडी में रखेंगे तो बॉडी के लिए डेंजरस होगा, इसलिए इसको फ़ौरन से बॉडी से निकालना ही इसके इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट से, या इसके जो टॉक्सिक इफेक्ट्स है उससे बचने का वाहिद जरिया हो सकता है। और हमें पता है एम्फीबियंस वाटर में होते हैं, उनका मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर में गुजरता है, जिसकी वजह से ईजीली आपके पास अमोनिया जो है वो डिफ्यूज़ आउट हो जाएगा इन सराउंडिंग वाटर। ये तो बेटे आपके पास फ्रेश वाटर के अंदर था कि वो कैसे एक्सक्रीशन करते हैं। अब लैंड के ऊपर ये कैसे एक्सक्रीशन करते हैं? लैंड के ऊपर ये आपके पास अमोनिया एक्सक्रीट नहीं करेंगे, बल्कि क्या एक्सक्रीट करेंगे? यूरिया। यूरिया जो है लिवर में प्रोड्यूस होता है बेटे, ठीक है। और आपके पास ये लेस टॉक्सिक है देन अमोनिया, लेकिन फिर भी इसको काफ़ी लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होती हैं फॉर एक्सक्रीशन। अमोनिया जैसे आपके पास होता है, उसको स्टोर नहीं किया जा सकता, फ़ौरन से बॉडी से एक्सपेल करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तो ये चूँकि उससे लेस टॉक्सिक है यूरिया, तो इसको हम यूरिनरी ब्लैडर में कुछ हद तक स्टोर कर सकते हैं। और आपके पास एम्फीबिया जो है वो आपके पास, यानी फाइनल स्टेटमेंट हम कह सकते हैं कि कुछ एम्फीबियंस जो हैं वो ऐसे होते हैं कि आपके पास वो एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया जब वो पानी में होते हैं, और कुछ आपके पास लैंड के ऊपर जब वही वाले ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं तो वो यूरिया एक्सट्रैक्ट करते हैं। यानी कि जो ड्यूअल करेक्टरिस्टिक्स हैं, जब वो पानी में होंगे तो वो क्या करेंगे? अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे, और जब वो लैंड में होंगे तो वो यूरिया एक्सक्रीट करेंगे। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इनकी जो ड्यूअलिटी है या ड्यूअल लाइफ है, जिसकी वजह से इनको एम्फीबिया कहा जाता है, वो ज़रूर इफेक्ट करेगी आपके पास इनकी अडेप्टेशंस के ऊपर, ठीक है, एवोल्यूशनरी प्रेशर्स में। तो अब यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं ना ये सारी चीज़ें। कल भी आप लोगों को जब हेयरिंग का बताया था, तो उसमें लो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी का भी आपने देखा था, और इसके अलावा आपने इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखी थी, जो ड्यूअलिटी के लिए कंसिडर होती है बेसिकली, दैट इज़ सबस्ट्रेट के अंदर और एयर के अंदर जो उनकी वाइब्रेशन डिटेक्शन की क्वालिटी है। तो ये सारी चीज़ें आपको आइडिया है। इसके अलावा लेटरल लाइन सिस्टम, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप देखें, हर एक आपके पास जितनी भी हम लोगों ने इनके करेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, सिस्टम्स पढ़े हैं, हर एक में आपको दोनों तरह की लाइफ के अंदर अडेप्टेशन दिखाई देगी। चलिए जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब ऑस्मोरेगुलेशन के लिए जो इनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वो आपके पास क्या है कि वाटर के अंदर जो एम्फीबियंस होते हैं उनके वो सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं जो फ्रेश वाटर फिशेज करती हैं, ठीक है, सेम उनकी प्रॉब्लम होती है। तो उनकी बॉडी में से एक्सेस पानी जो है वो निकलना चाहिए, और उनको क्या करना चाहिए? आयंस को बचाना चाहिए, कंजर्व आयंस, एंड दे हैव टू गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम देयर बॉडी। तो क्या करती है एम्फीबियन की किडनीज जो है ना, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हाइपोटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करवाती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे फिशेज, फ्रेश वाटर फिशेज में प्रोड्यूस होता था। और जो स्किन है एम्फीबिया की, वो और यूरिनरी ब्लैडर दोनों ट्रांसपोर्ट करते हैं सोडियम एंड क्लोराइड आयंस और दूसरे इंपॉर्टेंट जो आयंस होते हैं इनटू देयर ब्लड। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आ गई बेटे। हाइपोटोनिक यूरिन जब लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा तो एक्सेस वाटर बॉडी से निकल जाएगा, और जो स्किन और यूरिनरी ब्लैडर है वो दोबारा पंप आउट करेंगे एसेंशियल आयंस इनटू द बॉडी। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एसेंशियल आयंस भी हो गई। ये तो आपके पास एक सिचुएशन होगी वाटर के अंदर, बट व्हाट अबाउट द लैंड? लैंड के ऊपर ये क्या करेंगे? लैंड के ऊपर एम्फीबियंस को पानी बचाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पानी की कमी है।
और यहाँ पे एम्फीबियंस जो है ना वो सारे काम नहीं करते जो बाकी ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं. लाइक देखिए बाकी ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है, आपके पास इंटेंशनल ड्रिंकिंग भी हो सकती है, यहाँ पे इंटेंशनल ड्रिंकिंग नहीं होती, ठीक है, ना ही इनकी स्किन इम्परमिएबल होती जैसे कि बाकी टेट्रापॉड्स की होती है, ठीक है, और ना ही आपके पास ये हाइपरटॉनिक यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, ना ये हाइपरटॉनिक यूरिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना ये एक्स्ट्रा इंटेंशनल जैसे फिशेज पानी पीती थी, ना ये इंटेंशनल पानी पी रहे हैं, ना इनकी स्किन रोक रही है जैसे हम लोगों की, ह्यूमंस की भी स्किन जो है इम्परमिएबल है, ठीक है, ऑलमोस्ट इम्परमिएबल है, तो फिर और ना ये हाइपरटॉनिक यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, फिर करते क्या है ऐसा क्या. तो बेटे यहाँ पे बिहेवियर इनका चेंज होता है, इनका बिहेवियर जो है ना वो ऑस्मोरेगुलेशन करता है ऑन लैंड, ठीक है. कल भी हमने इनकी कुछ बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश की थी, ठीक है, तो आज हम डिटेल के अंदर देखते हैं कि कैसे ये अपने बिहेवियर से ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं लैंड के ऊपर. जी तो बेटे एम्फीबियंस जो हैं वो अपने बिहेवियर से जो है वाटर लॉस जो है वो रोकते हैं, ठीक है, रिड्यूस करते हैं उसको, और एक्सपोजर टू द डेसिकेशन जो है वो उनका फिर रिड्यूस हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है. अच्छा जी, अब यहाँ पे जो कुछ बिहेवियर्स हैं कि वो किस तरीके से अपना जो है वाटर लॉस वो रोकते हैं, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि दीज आर नॉकटर्नल, रात के टाइम निकलते हैं, ठीक है, और क्योंकि आपको पता है रात को टेम्परेचर लो होता है, और दिन के टाइम क्या होता है आपके पास डे लाइट आवर्स के अंदर ये किसी ऐसी जगह पे अपने आप को रिट्रीट कर लेते हैं जो कि ह्यूमिड होती है, जैसे कि पत्थरों के नीचे, लकड़ियों के नीचे, कहीं पत्तों का सॉरी चूरा वगैरह या कचरा वगैरह पड़ा हो, या किसी खो वगैरह में नीचे, बरोज वगैरह में. अच्छा, अब ये तो आपके पास हो गई, ये वो लोकेशंस हैं कि स्टोन्स, लॉग्स एंड मल्च, लीफ मल्च एंड बरोज वगैरह में अपने आप को लोकेट कर लेंगे. कुछ जो रात के टाइम पे जब निकलते भी हैं, नॉकटर्नल होते हैं, तो पानी तो उस टाइम पे भी इनका लॉस होगा, ठीक है, तो वो जो पानी का जो लॉस है वो कैसे रिप्लेस होगा, वाटर अपटेक कर लेते हैं ये थ्रू स्किन, ठीक है, जहाँ पे भी उन्होंने पना ली हुई है, ठीक है, या फिर डीट्रीज में या जहाँ पे भी रहते हैं. अब जो डायर्नल एम्फीबियंस होते हैं, अब वो ऊपर वाले तो दो आपने पढ़े थे ना, जो रात को एक निकलते हैं और दूसरे जो दिन को निकलते हैं, ठीक है, अब कुछ ऐसे होते हैं जो डायर्नल होते हैं, ये आपके पास ऐसे एरियाज में रहते हैं जो इन रात दिन दोनों टाइम पे निकल सकते हैं, ये ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी होती ही बहुत ज़्यादा है, और ये बार बार अपने आप को रिहाइड्रेट करते रहते हैं, ठीक है, जैसे इनका पानी वापरेट होता है रिहाइड्रेट, क्योंकि रहते ही वो ऐसी जगह करीब है जहाँ पानी ज़्यादा होता है. और आपके पास कुछ एम्फीबियंस ऐसे होते हैं कि जो अपना जो वेपोरेशन है या जो पानी का जो लॉस है वो कैसे रिड्यूस करते हैं, वो अपना सरफेस एरिया बॉडी का रिड्यूस कर देते हैं जो एक्सपोज होता है एयर से, यानी कि कम सरफेस एरिया एक्सपोज होगा तो कम वाटर लॉस होगा, वेपोरेशन कम होगी. ऐसा वो कैसे करते हैं, वो इस तरीके से करते हैं कि अपनी बॉडी को बेटे कर्ल कर लेते हैं, ठीक है, अपनी टेल्स को और टाइट कर लेते हैं, ठीक है, कॉइल बना लेते हैं, अपनी बाजुओं को, अपनी लिम्स को टक करके अपने जिस्म के करीब कर लेते हैं, ठीक है, और बिल्कुल ही पैकिंग टाइप जो है ना एसोसिएशन बना लेते हैं, ठीक है, क्लोज पैक्ड एग्रीगेशंस बना लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो उसका सरफेस है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से जब कम सरफेस एरिया एक्सपोज होगा एयर के पास, एयर की तरफ, तो फिर वाटर लॉस भी कम होगा. अब देख लेते हैं कि कुछ एम्फीबियंस के अंदर प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं जो कि रिड्यूस करती हैं वाटर लॉस को, ठीक है, और कुछ इनकी स्किन के ऊपर ऐसे स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जो हार्ड होते हैं, ठीक है, और वो रेजिस्टेंट होते हैं या वाटर लॉस से, वहाँ वाटर लॉस उस खास जगह पे कुछ पैचेस आप समझ लें वहाँ पे वाटर लॉस नहीं हो सकता. इसका क्या फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा है बेटे कि जब ये अपनी बरोज वगैरह में जाते हैं या कहीं पे भी जहाँ पे ये रह रहे हैं, तो वहाँ से वो जो सुराख है या ऐसी जगह है जहाँ से बाहर से इंटरेक्शन हो सकता है, वो प्लग की तरह इस हार्ड एरिया ऑफ स्किन को एज अ प्लग यूज़ करते हैं और उस जगह को बंद कर देते हैं, ठीक है. अब इनकी स्किन इस जगह से हार्ड है तो इस जगह से वाटर का लॉस नहीं होगा, और आपके पास जिसकी वजह से जब ये बंद हो जाएगा तो वो जो बरो वगैरह है या जो उसकी रिट्रीट है जहाँ पे ये रह रहा है, तो वहाँ पे इंटरनली क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो इसका जो है ना वाटर लॉस नहीं आपके पास हो सकता या मेंटेन रहेगा. अब आपके पास जो और एम्फीबियंस के अंदर कुछ जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या कुछ जो अडेप्टशन हैं जो कि इसने इख्तियार की हैं ऑस्मो रेगुलेशन में वाटर कंजर्व रखने के लिए, वो कोकून्स की हैं. अब कोकून्स जो है, इससे पहले भी आपने डिफरेंट फाइला के अंदर कोकून्स पढ़े हैं, यहाँ कोकून्स क्या है, यहाँ पे इसकी बॉडी के ऊपर ही की जो स्किन होती है,
ठीक है, जब ये लॉन्ग पीरियड डोरमेंसी करता है ना, जब ये सर्दियों में एस्टिवेशन या विंटर स्लीप कर रहा होता है, विंटर स्लीप होती है बेसिकली, इसमें तो एस्टिवेशन नहीं है, तो क्या होता है कि इसकी बॉडी के गेट कोकून बन जाते हैं। अब वो कोकून कैसे होते हैं, ये आपके पास जो कोकून होते हैं बेसिकली ये लेयर्ड होती हैं, और इसके अंदर क्या होती है कि आउटर लेयर्स ऑफ द स्किन जो कि बॉडी के साथ से, जिस तरह हम लोग की भी डेड स्किन उतरती है ना, तो इसकी बॉडी के साथ से भी जो डेड स्किन उतरती रहती है वो लेयर्स की फॉर्म में इसी के ऊपर जो है ना अटैच हो जाती है, मतलब स्किन बॉडी से अलग हो जाती है लेकिन इसकी बॉडी को कवर करी रखती है, ठीक है, पार्शल मेम्ब्रेन की तरह, जैसे अंडे की झिल्ली नहीं होती उस टाइप की तरह। अब होता क्या है कि जो कोकून्स होते हैं ये आपके पास ओपन कहाँ से होते हैं, कि हर तरफ से बंद होंगे फिर तो सांस नहीं आएगा इसको, कोकून्स ओपन भी होते हैं, ये ओपन थोड़ी सी जगह से होते हैं जहाँ इसके नेरीज होते हैं, नेयर्स, और दूसरी बात है इसका जो माउथ होता है जहाँ पे नाक और इसका माउथ होता है सांस वगैरह लेने के लिए। और कुछ कंडीशंस के अंदर एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है सिचुएशन के अंदर कि कोकून्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, लाइक आप अगर देखें तो तकरीबन ये 20-50% वाटर को रिड्यूस करते हैं, वाटर लॉस को, ठीक है, एक आप कोकून और फ्रॉग ले लें और एक नॉन कोकून, दोनों में आप वाटर लॉस देखें तो 20-50% नॉन कोकून के अंदर वाटर लॉस जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इसमें जो है वाटर लॉस कम होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब देख लेते हैं बेटे स्किन। स्किन जो है बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है वाटर लॉस का, क्योंकि जाहिर सी बात है स्किन एक्सपोज होती है जितनी ज़्यादा, तो इसमें से बहुत सा पानी इवेपोरेट होता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सोर्स है वाटर लॉस का। तो आपके पास जो स्किन है मोस्टली ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाटर लॉस ही हो, डबल फंक्शन परफॉर्म करती है, रिहाइड्रेट भी करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम भी करती है, ठीक है। तो आपके पास जो एम्फीबियंस हैं मोस्टली ये फ्लैटन लेट जाते हैं चिपटे होके, ठीक है, अपनी बॉडी को गीली जगहों के ऊपर चिपका देते हैं, रख लेते हैं फैला के अपने जिस्म को, जिसकी वजह से जो इसके पेट बेली वाला साइड, वेंट्रल साइड जो होता है पेल्विक रीजन, आप याद रखें हाइंड लिम्स के पास वाली जो बेली साइड है वहाँ से जो स्किन होती है वहाँ से पानी एब्जॉर्ब करती है इसकी बॉडी के अंदर स्किन, ठीक है, एरिया आपको पता होना चाहिए कहाँ से वो वाटर रीअब्जॉर्ब करता है फ्रॉग। फिर जो आपके पास स्किन की जो आपके पास परमिएबिलिटी, वेस्कुलराइजेशन एंड एपिडर्मल स्कल्पचरिंग है, यानी तीन चीज़ें हैं, परमिएबिलिटी, दूसरा वेस्कुलराइजेशन यानी कि वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स का जाल फैला हुआ है, और एपिडर्मल आपके पास स्कल्पचरिंग है यानी ऐसे एपिडर्मल्स की स्कल्पचर हुई हुई है डिफरेंट जगहों से, ऐसी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है कि ये तमाम चीज़ें प्रोमोट करती हैं कि इसको वाटर रीअब्सॉर्प्शन को, क्योंकि देखें हर जगह तो नहीं होती ना स्किन मोटी, कहीं पतली है कहीं मोटी है, तो वो जो मैंने बताया आपको भी ऊपर कि आपके पास बॉडी के जो जो पेल्विक साइड के ऊपर और लोअर सरफेस के ऊपर जो आपके पास रीअब्सॉर्प्शन होती है पानी की, तो वहाँ पे आपके पास परमिएबिलिटी वाटर की ज़्यादा होगी, वहाँ पे ब्लड वेसल्स जो है ना वहाँ पे उसका नेटवर्क बहुत ज़्यादा होगा, और वहाँ पे और क्या चीज़ ज़्यादा होगी, वहाँ पे एपिडर्मल स्कल्पचरिंग इस तरह की होगी कि वहाँ पे इतनी थिक स्किन नहीं होगी, यही वजह है कि वहाँ से ईजीली पानी पेल्विक रीजन में वेंट्रल साइड पे रीअब्सॉर्ब हो जाता है। अच्छा, अब जो है ये सारी चीज़ें जो है वाटर को हमें पता है क्या करती हैं, रीअब्सॉर्ब होने में हेल्प कराती हैं। अब इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं, लाइक माइन्यूट छोटी छोटी चैनल्स होती हैं, क्योंकि तमाम बॉडी, अब देखिए छोटा सा एरिया है ना ये पेल्विक रीजन, ठीक है, वहाँ से पानी अब्जॉर्ब होगा तो सिर्फ उसी एरिया को पानी मिलेगा, नहीं, पूरी बॉडी की स्किन के ऊपर वो एरियाज जो ज़्यादा एक्सपोज नहीं है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है वाटर के साथ उनका, तो वहाँ तक पानी कौन लेके जाएगा, इसकी स्किन में माइन्यूट चैनल्स होंगे जो कि इंक्रीज करते हैं सरफेस को और पानी के फैलाने को इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दे स्प्रेड द वाटर ओवर द सर्फेसिज विच आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वाटर, ठीक है, यानी वाटर से जो डिस्टेंट है। अब एम्फीबियंस जो हैं वो टेम्परेरली वाटर को स्टोर भी कर सकते हैं थोड़े से टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं, ठीक है, वाटर जो उनका जमा होता है या एक्युमुलेट होता है कहाँ होता है, उनके यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है या लिम्फ सैक्स में, कल हमने पढ़ा था ना लिम्फेटिक सिस्टम, तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया था लिम्फेटिक सिस्टम जो है ना वाटर की मूवमेंट, आयंस की मूवमेंट तो करता ही करता है, तो वाटर की रीअब्सॉर्प्शन उसमें भी इसका रोल हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आप देखें यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोर होता है पानी और लिम्फ सैक्स के अंदर, और यहाँ से पानी सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब हो जाता है, जैसे ही इसकी एवेपोरेशन होती है तो इसके अंदर बॉडी की पानी की कमी आ जाएगी इसकी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से अब वहाँ से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, कहाँ से, जहाँ से पानी स्टोर करके रखा हुआ है, कौन सी जगह पर, भी बताया, यूरिनरी ब्लैडर एंड लिम्फ सैक्स, ठीक है जी।
अब एम्फीबियंस जो है वो मोस्टली आपके पास बेटे रहते हैं बहुत ज़्यादा ड्राई एनवायरनमेंट्स के अंदर, ठीक है। वो तकरीबन पानी स्टोर कर सकते हैं 35% ऑफ देयर टोटल बॉडी वेट, इतना पानी वो स्टोर कर सकते हैं जो ड्राई एनवायरनमेंट्स में रहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ रिप्रोडक्शन डिवेलपमेंट एंड मेटामॉर्फोसिस, ठीक है बेटे। तो रिप्रोडक्शन डिवेलपमेंट एंड मेटामॉर्फोसिस जो है, आपको पता है किसी भी स्पीशी के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये उसकी स्पीशी की आप समझ लें कि सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और सेकंड नंबर पे बात यह है कि डेवलपमेंटल स्टेजेस जो हैं वो भी डिटरमिन करती हैं कि एनवायरनमेंट किस तरह का है, और एनवायरनमेंट डिटरमिन करता है डेवलपमेंटल स्टेजेस को। और यहाँ पे जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ मेटामॉर्फोसिस, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ड्रास्टिकली मेटामॉर्फोसिस होती है, यानी कि टोटल आपके पास लार्वल स्टेज और वो टैडपोल लार्वा टोटल वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और चूंकि एनवायरनमेंट में भी ड्यूअलिटी है, दो डिफरेंट तरह के एनवायरनमेंट्स हैं, तो यहाँ पे आपके पास एनवायरनमेंट के अंदर भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग अडेप्टेशंस मिलेंगी, सॉरी ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट स्टेजेस के अंदर भी, लाइक लार्वा के अंदर भी और आपके पास एडल्ट के अंदर भी। वो तो हम साइड बाय साइड इंशाल्लाह देखते रहेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन को, देखते हैं जनरली। तो आपके पास एम्फीबियंस डायोशियस होते हैं, इनकी जो ओवरीज और टेस्टिस होते हैं वो लोकेटेड होते हैं नियर द डॉर्सल बॉडी वॉल, ठीक है, डॉर्सल बॉडी वॉल के साथ लोकेटेड है जी। फर्टिलाइजेशन जो है, इसके अलावा डॉर्सल बॉडी वॉल के साथ क्या चीज़ पड़ी थी हमें थोड़ी देर पहले, किडनीज, ठीक है। तो किडनीज के पास ही इसकी ओवरीज एंड टेस्टिस होंगे, जब आप डिसेक्शन करते हैं आप देखते भी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मोस्टली इसमें एक्सटर्नल होती है, और क्योंकि ये जो एग्स होते हैं इनके रेजिस्टेंट कवरिंग्स नहीं होती हैं, ठीक है, तो ज़्यादातर ये गीले जगहों पे अंडे देते हैं, मोस्ट हैबिटेट्स के अंदर जहाँ, या फिर पानी के अंदर, ठीक है। कुछ न्यूरन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो टेरेस्ट्रियल नेस्ट बनाते हैं थोड़े थोड़े, ठीक है, गहरे से, और उसके ज़्यादातर उसको फिर मॉइस्ट रखने के लिए या तो वो जो फोम सा झाग सी बन रही होती है पानी के ऊपर, वो उसकी मदद से उसको मॉइस्ट रखा जाता है, या फिर ये लोकेट ही ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पे पानी करीब हो और पानी बार बार उसकी लहरें या पानी जहाँ से भी कहीं से बहकर इसके नेस्ट के अंदर आता रहे, ठीक है, फ्लडिंग होती रहे पानी की। और जो इसकी कुछ स्पीशीज़ हैं एम्फीबिया की, उसके अंदर जो लार्वल स्टेज होती है वो मतलब डायरेक्ट लिविंग कंडीशन ही होती है, लेकिन वो फ्री नहीं होती, यानी कि वो पास ऑन होती है, एग्स फर्टिलाइजेशन होगी, वो एग से हैच नहीं होगी डायरेक्ट, लार्वल स्टेज क्या होगा, वो एग्स के अंदर ही, एग की जो मेम्ब्रेन्स हैं उसके अंदर ही लार्वल स्टेज रहेगी, इट स्टे रिटेन्ड इन द एग मेम्ब्रेन्स, और फिर वहाँ पे डेवलपमेंट इसकी होती रहेगी, और उसके बाद फिर ये हैच आउट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ इमेच्योर्स, ठीक है, और बिल्कुल एडल्ट लाइक बॉडी के अंदर। तो ये भी एक करेक्टरिस्टिक है इसका, तमाम एम्फीबियंस में नहीं होता, एम्फीबियंस के डिफरेंट आप लोगों ने ऑर्डर्स पढ़े हैं और सब में डिफरेंट वेरिएशंस आपको मिलेंगी। तो मेन जो एक्सेप्शंस हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जनरल हमने पढ़ा ना कि यूजुअली होती है, तो यूजुअली के अलावा क्या होता है, एक्सेप्शंस जो आपके पास सेलेमेंडर्स होते हैं उसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, ठीक है जी। तकरीबन 10% होते हैं तमाम सेलेमेंडर्स जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, बाकी 90% के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, जिनमें क्या प्रोड्यूस होते हैं आपके पास, स्पर्मेटोफोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। अच्छा, अब एग्स जो हैं वो डिपॉजिट होते हैं या तो सॉइल के ऊपर या वाटर के ऊपर, या फिर वो ओविडक्ट के अंदर ही रखे जाते हैं डेवलपमेंट के दौरान। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तमाम सिसिलियंस के अंदर कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल। आपने सेलेमेंडर्स में पढ़ा सिर्फ 10% के अंदर एक्सटर्नल है, बाकी 90% के अंदर इंटरनल है, और सिसिलियंस तमाम के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है जी। इसका मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फिर किस में है, 10% सेलेमेंडर्स एंड रिमेनिंग ऑफ द एन्यूरिन्स के अंदर। अच्छा, अब 75% के अंदर डेवलपमेंट, यानी कि 100% फर्टिलाइजेशन तो सिसिलियन के अंदर होती ही है इंटरनल, लेकिन 75% जो है इंटरनल डेवलपमेंट भी होती है, ठीक है जी। एम्फीबियन डेवलपमेंट जो है वो आपके पास मोस्टली जो लार्वल स्टेजेस होती हैं उनके अंदर जब स्टडी किया जाता है, तो वो टैडपोल की फॉर्म में होती हैं, और एम्फीबियन टैडपोल जो होता है वो डिफरेंट होता है अपने एडल्ट फॉर्म से इन रिस्पायरेशन, इन देयर लोकोमोशन एंड इन देयर डाइट, यानी कि वो रिस्पायरेशन का तरीका उसका मुख्तलिफ होगा, लोकोमोशन का तरीका उसका मुख्तलिफ होगा, डाइट उसकी मुख्तलिफ होगी। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, ये जो डिफरेंसेस हैं इसकी वजह से कंपटीशन नहीं होता अडल्ट और लार्वी के दरमियान में, तो सर्वाइवल के चांसेस दोनों के लिए ज़्यादा हो जाते हैं। अगर कंपटीशन होता तो फिर या तो अडल्ट सर्वाइव करता, तो फिर इनकी स्पीशी या फिर
लार्वा तो फिर दोनों केसेस में इनकी स्पीशी सर्वाइवल के ऊपर क्वेश्चन मार्क बन जाता। अच्छा जी, तो यहाँ पे पूछ सकते हैं व्हाई दे हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ रिस्पायरेशन, लोकोमोशन एंड डाइट, ठीक है। तो आपने ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसमें आपने बता देना है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है आपके पास इंटरेक्शंस बिटवीन द इंटरनल कंट्रोल्स एंड एक्सटर्नल। आपको पता है कि बॉडी के अंदर के जो कुछ कंट्रोल्स होते हैं, जो कि हार्मोन्स डील कर रहे होते हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे बाहर से टेम्परेचर, प्रेशर, या वो भी और भी डिफरेंट जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, ये दोनों के दरमियान में जो इंटरेक्शन होता है वो बताता है कि कौन सा टाइम होगा रिप्रोडक्शन का, ठीक है। दे डिटरमाइन द टाइमिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास टेम्परेट रीजन्स के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर जो है तकरीबन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और तकरीबन आपके पास ये फिजोलॉजिकल चेंजेस जो होती हैं बॉडी के अंदर, जो कि एसोसिएट होती हैं विद दैट ऑफ ब्रीडिंग, तो वो उसको डिटरमिन करता है। टेम्परेचर डिटरमिन्स या इंड्यूसेस द फिजोलॉजिकल चेंजेस ऑफ ब्रीडिंग, और ब्रीडिंग पीरियड जो होते हैं मोस्टली ये सीजनल होते हैं, ठीक है। सीजन आपको पता है ना, गर्मियाँ सर्दियाँ, तो यहाँ पर भी गर्मियों में गर्मियों सर्दियाँ और बहार फिजा, तो यहाँ पे दो सीजन्स के अंदर ये आपके पास हो करेगा ब्रीडिंग, एक तो स्प्रिंग में करेगा और दूसरा समर में करेगा। और ये तो आपके पास हो गया टेम्परेट रीजन, तो व्हाट अबाउट ट्रॉपिकल्स। तो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर बेटे क्या होता है कि एम्फीबियंस जो होते हैं आपके पास, वो ब्रीड, उनकी जो ब्रीडिंग है वो कोरिलेट करती है विद रेनी सीजन, यानी बारिशों के साथ वो कोरिलेट करती है, ठीक है जी। बारिशों के ऊपर वो डिपेंड करेगी उनकी ब्रीडिंग जी। तो आप देखते हैं बेटे एम्फीबियंस में कोर्टशिप बिहेवियर कैसा होता है। कोर्टशिप बिहेवियर जो है एम्फीबियंस के अंदर, ये हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को कि वो लोकेट कर सकें ऐसी साइट्स जहाँ पे वो ब्रीड कर सकें, और इसके अलावा वो ऐसे इंडिविजुअल्स को भी आइडेंटिफाई कर सकें जो इनके साथ वो मेटिंग कर सकें। इसके अलावा आपके पास ये प्रिपेयर करता है इंडिविजुअल एम्फीबियंस को रिप्रोडक्शन के लिए भी, और इंश्योर करता है कि एग्स अच्छे तरीके से फर्टिलाइज भी हो जाएं और ऐसी जगह पे आपके पास डिपॉजिट हो जाएं जो कि इनकी सक्सेसफुल डेवलपमेंट करवा सकें। सेलेमेंडर्स जो है मोस्टली वो रिलाय करते हैं अपनी ऑल्फैक्ट्री और विजुअल क्यूज के ऊपर, यानी वो सेंस ऑफ स्मेल और विजन के ज़रिए जो है ना कोर्टशिप के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। जबकि आपके पास एन्यूरन्स जो हैं, उनके जो मेल्स हैं वो वोकलाइजेशन के ज़रिए और टेक्टाइल क्यूज एंड टच के ज़रिए, ये दो चीज़ों के ज़रिए आपके पास मेटिंग बिहेवियर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं जी। अब देख लेते हैं कि कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं वो कॉन्ग्रीगेट हो जाती हैं, यानी इकट्ठा इज्तमा होता है उनका, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग हो रही होती है, ब्रीडिंग का जब टाइम होता है, तो वो इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे, ठीक है। और वहाँ पे फिर जो मेल्स हैं वो वोकलाइज करते हैं, वो वॉइस पैदा करते हैं, साउंड पैदा करते हैं, ठीक है, जो कि हर स्पीशी के लिए स्पेसिफिक होती है। हर स्पीशी टू स्पीशी वेरी करती है, एक स्पीशी की वॉइस पे दूसरा स्पीशी का कोई मेट वहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि वो उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा। और ये इसका फंक्शन क्या होता है वोकलाइजेशन का, ये इनिशियली अट्रैक्ट करती है और इसके अलावा कॉन्टैक्ट भी पॉसिबल बनाती है बिटवीन द ऑपोजिट मेट्स। और जब एक दफ़ा कॉन्टैक्ट पॉसिबल हो जाए, तो टेक्टाइल क्यूज़ के बाद फिर आपके पास प्रोसेस ऑफ द मेटिंग स्टार्ट हो जाता है। लेकिन टेक्टाइल क्यूज़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेंस में। मेल जो है वो क्या करता है, फीमेल को ग्रैस्प कर लेता है, होल्ड कर लेता है फ्रॉम इट्स डॉर्सल साइड, अपने फोर लिम्स से उसकी कमर के गिर्द उसको टाइटली ग्रैस्प कर लेता है, ठीक है। और वो मतलब एक उसके ऊपर चिपक जाता है, सिंपली यू कैन से दैट लाइक दैट। और मेल जो है वो इस अपनी ये पोजीशन पकड़ने वाली इस वजह से मेंटेन करता है ताकि दोनों की ओरिएंटेशन जो है ना वो सेम डायरेक्शन में हो, एक ही डायरेक्शन में दोनों वो हों, मतलब ऐसा हो उनका हेड टू हेड और सारी चीज़ें जो है ना पॉसिबली एक डायरेक्शन में हो। ये इस चीज़ को इंश्योर करता है कि आपके पास फर्टिलाइजेशन में जब एग और स्पर्म रिलीज हों तो उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो फर्टिलाइजेशन की श्योरिटी के लिए। और मेल जो है वो डॉर्सल सरफेस के ऊपर फीमेल की अटैच होता है, तो ये जो पोजीशनिंग है जिसमें मेल जो है ग्रैस्प करता है फीमेल को डॉर्सल सरफेस के ऊपर और अपनी फोर लिम्ब से उसकी जो वेस्ट है उसको पकड़ लेता है और पोजीशन कर लेता है यूनि डायरेक्शनल सेम डायरेक्शन में, इस पोजीशनिंग प्रोसेस को हम कहते हैं एम्प्लेक्सिस, ठीक है। एम्प्लेक्सिस जो है आपके पास ये तकरीबन एक से लेके 24 घंटे तक हो सकती है, ठीक है। और ड्यूरिंग एम्प्लेक्सिस द मेल रिलीजेज द स्पर्म एंड फीमेल रिलीजेज द एग और फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अच्छा, सिसिलियंस के अंदर अभी तक बेटे कोई ब्रीडिंग का कोई खास बिहेवियर इतना ज़्यादा स्टडी नहीं किया गया। मेल जो हैं आपके पास इंट्रोमिटेंट ऑर्गन होता है, यानी कि ऑर्गन फॉर द रिप्रोडक्शन और ऑर्गन टू ट्रांसफर द स्पर्म्स, ठीक है, और विच इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ क्लोएकल वॉल,
कोलैका की जो वॉल है उसकी मॉडिफिकेशन से इंटरमिटेंट ऑर्गन बनता है। और चूंकि जाहिर सी बात है अब इंटरमिटेंट ऑर्गन का जिक्र आ गया तो फर्टिलाइजेशन कैसी होगी इसमें, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। अब थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं बेटे वोकलाइजेशन की। वोकलाइजेशन जो है आपके पास ये साउंड प्रोडक्शन है जो मैंने बताया न्यूरा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटिंग प्रोसेस के अंदर। तो साउंड प्रोडक्शन जो है प्राइमरीली आपके पास रिप्रोडक्टिव फंक्शन होता है मेल का, ठीक है, फीमेल्स नहीं प्रोड्यूस करती, मेल जो है उनके अंदर ये प्राइमरी इनका फंक्शन होता है बुनियादी तौर पर, यानी मेल है तो वो लाजमी साउंड प्रोड्यूस करेगा। अब क्या है कि इनकी डिफरेंट तरह की कॉल्स होती हैं, ठीक है, तो वो हम कॉल्स को देखें स्टडी करेंगे, यानी कि वोकलाइजेशन की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, तो डिफरेंट कॉल्स हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट कॉल्स, ये अट्रैक्ट करती हैं फीमेल्स को टू द ब्रीडिंग एरियाज और अनाउंस करती हैं दूसरे मेल्स को कि अब ये टेरिटरी हमारी है, ठीक है। यानी दो फंक्शन है एडवर्टाइजमेंट कॉल के, एक तो फीमेल अट्रैक्शन और दूसरी के लिए क्या है आपके पास के टेरिटरी इज ऑक्यूपाइड, ठीक है जी। और आपके पास एडवर्टाइजमेंट कॉल्स जो होती हैं ये स्पीशीज स्पेसिफिक होती हैं, और रेपर्टायर जो होता है आपके पास कॉल्स का, यानी जो हर एक स्पीशी की अपनी कॉल्स होती है, ठीक है, और वो लिमिटेड है, ये नहीं कि अनलिमिटेड वो दूसरी स्पीशीज की भी आवाज़ें निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो उसका अपना जो ख़जाना है या कलेक्शन ऑफ कॉल्स है वो लिमिटेड है, ठीक है, एक तो स्पीशी स्पेसिफिक है, दूसरा उनकी वेरिएशन इतनी ज़्यादा नहीं है बल्कि लिमिटेड उनके पास वोकलाइजेशन होती है। और आपके पास कॉल्स जो हैं ये इंड्यूस करती हैं साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रेडीनेस टू ब्रीड, यानी कि नेक्स्ट जो आपके पास होगी मेट उसका पार्टनर होगा उसको साइकोलॉजिकली भी रेडी करती हैं और फिजियोलॉजिकली यानी बॉडीली भी उसको रेडी करती हैं कि ब्रीडिंग का टाइम आ चुका है, सो यू हैव टू ब्रीड। और यहाँ पे जो फीमेल्स हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं, फीमेल्स एक और तरह की आपके पास कॉल्स करेंगी, एक और तरह की वोकल प्रोड्यूस करेंगी, दैट इज कॉल्ड द रेसिप्रोकेशन कॉल। अब रेसिप्रोकेशन कॉल्स जो होती हैं वो इंडिकेट करती हैं रिसेप्टिवनेस कि यस वी आई एम रेडी, ठीक है, फीमेल जब रेडी होती है तो वो रिस्पॉन्ड करती है मेल की कॉल की एडवर्टाइजमेंट कॉल को बाय देयर रेसिप्रोकेशन कॉल्स, ठीक है, विच शो देयर रिसेप्टिवनेस एंड एक्सेप्टेंस कॉन्सेंट, ठीक है। अब इसके अलावा रिलीज कॉल्स भी होती हैं, रिलीज कॉल्स क्या होती हैं, वो पार्टनर को इन्फॉर्म करने के लिए होती हैं कि फ्रॉग जो है इनकेपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग है, वो किसी वजह से भी हो सकता है, वो आपके पास हो सकता है कि फीमेल जो है वो एग प्रोड्यूस करने के काबिल ना हो, ठीक है, वो इस वजह से भी हो सकता है कि हो सकता है किसी मेल फ्रॉग ने किसी फीमेल फ्रॉग की बजाय किसी और मेल फ्रॉग को एम्प्लिक्सिस कर लिया हो, ठीक है, तो फिर वो नेक्स्ट मेल फ्रॉग जो है वो भी रिलीज कॉल देगा कि गलती से तुमने गलत पार्टनर के ऊपर मेट कर लिया, ठीक है। तो ये सारी जो है ना रिलीज कॉल्स होती हैं, ये आपके पास रिस्पॉन्सिव अनरिस्पॉन्सिव फीमेल्स भी कर देती हैं, जिसे मैंने अभी जिक्र किया है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई मेल अटैम्प्ट करता है किसी और मेल को मिस्टेकनली, तो ये उस मेल के जरिए भी होते हैं। कुछ आपके पास ऐसी कॉल्स होती हैं जिनको हम डिस्ट्रेस कॉल्स कहते हैं, ये एसोसिएटेड नहीं होती रिप्रोडक्शन के साथ, ठीक है, ये आपके पास कोई भी सेक्स प्रोड्यूस कर सकती है, मेल भी प्रोड्यूस कर सकता है और फीमेल भी प्रोड्यूस कर सकता है। ये दो सीन्स में प्रोड्यूस होती हैं, दो केसेस में, एक या तो जब एम्फीबियन बहुत ज़्यादा पेन में हो या फिर किसी प्रेडेटर ने उसको पकड़ लिया हो, ठीक है, उन दोनों सिस्टम में डिस्ट्रेस कॉल्स होती हैं। और ये इतनी ज़्यादा ऊंची हो सकती हैं कि इसके डर से या इसकी वजह से प्रेडेटर कई दफ़ा एम्फीबिया को छोड़ देता है, यानी स्प्रे को छोड़ देता है। जैसे कि आपके पास साउथ अमेरिका जंगल फ्रॉग जो है, साउथ अमेरिकन जंगल फ्रॉग जिसका नाम क्या है आपके पास लेप्टोडेक्टाइलस पेंटाडेक्टाइलस, ये इतनी ज़्यादा ऊंची चीख मारता है, इतनी ज़्यादा ऊंची डिस्ट्रेस कॉल देता है जो कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बिल्ली को अगर आप मारें या कुछ शॉट करें या उसको पकड़ें या उसको दर्द हो तो जितनी ज़ोर से वो चिल्लाएगी उतनी ज़्यादा ज़ोर से ये फ्रॉग चिल्लाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा कितनी किस्म की आपकी कॉल्स हैं, नंबर वन एडवर्टाइजमेंट कॉल, नंबर टू रेसिप्रोकेशन कॉल, नंबर थ्री रिलीज़ कॉल एंड नंबर फोर डिस्ट्रेस कॉल। तो ये सारी कॉल्स कब किस क्यों कैसे होती हैं ये आपके माइंड में होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं बेटे साउंड प्रोडक्शन ऑपरेटर्स की तरफ कि आपके पास ये जो साउंड प्रोड्यूस करता है फ्रॉग ये कौन से ऑपरेटर्स या कौन से ऑर्गन के जरिए करता है। तो साउंड प्रोडक्शन ऑपरेटर्स ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ द लेरिंग्स एंड इट्स वोकल कॉर्ड, ठीक है। और आपके पास लेरिंजियल ऑपरेटर्स जो होता है वो वेल डेवलप होता है मेल्स के अंदर, मैंने बताया आपको, ठीक है, और क्योंकि उनकी साउंड बहुत ज़्यादा ऊंची है और वो अट्रैक्शन का काम करती है रिप्रोडक्शन के लिए, तो ज़्यादा वेल डेवलप है। लेकिन फीमेल्स के अंदर भी होती है बट वो कम होती है। रेसिप्रेशन कॉल जो होती हैं क्योंकि उन्होंने दूर तक तो नहीं भिजवाना होता ना, अपना करीब भी उसका पार्टनर होता है उसको सिर्फ मैसेज देना होता है।
एनीवेज, तो लेरिंजियल लेरिंग्स के साथ एक अपरेटस होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वॉइस प्रोडक्शन के लिए, वो मेल से बहुत ज़्यादा वेल डेवलप होता है और इसके अंदर एक वोकल सैक भी होती है, मैं फिगर से भी एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ द फ्रॉग्स जो होते हैं उनके अंदर जो वोकल सैक होती है बेटे वो डेवलप होती है एज अ डायवर्टिकुलम फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द बकल कैविटी, यानी उसके जो माउथ का जो कैविटी होती है बकल कैविटी होती है उसका ही एक डायवर्टिकुलम उसकी एक एक्सटेंशन होती है जो कि वोकल सैक बना देती है। ठीक है, अब एयर जो आती है वो लंग्स से आती है और फोर्स होती है टू दी वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स की तरफ जाती है और फिर वोकल कॉर्ड से होती हुई आगे कार्टिलेज लेरिंग्स के कार्टिलेज से होती हुई आगे वाइब्रेशन कॉज करती है आपके पास। ये अब मैंने इस तरह लाइंस शो क्या की हैं वाइब्रेशन शो करने के लिए कि आपके पास ये वाइब्रेशन शो होगी और ये वॉइस प्रोडक्शन होगी। अब जो मसल्स होते हैं, मसल्स इस सिलसिले में जो टेंशन प्रोड्यूस होती है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है, वोकल कॉर्ड्स की, और रेगुलेट कर रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, ऊंची कम ज़्यादा। ठीक है, वोकल सैक्स जो हैं आपके पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के तौर पर एक्ट करती हैं, रेजोनेशन प्रोड्यूस करती हैं, रेजोनेंस आपको पता है क्या होती है, ठीक है, और एम्पलीफिकेशन ऑफ द साउंड यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है साउंड का, उसके अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल है, यानी साउंड को ज़्यादा इन्हांस करके आगे डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब यूज़ ऑफ साउंड जो है वो हमें पता है कि वो अट्रैक्ट द मेट्स है, ठीक है, और यूज़फुल है उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं मुख्तलिफ हैबिटेट्स में, कि आवाज़ सुन के स्पीशीज़ इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है, और फिर वो एकदम से ब्रीडिंग करने लग पड़ेंगे, तो उनके अंदर बहुत यानी कि डिस्पर्स हाईली डिस्पर्स या वाइडली डिस्पर्स हैबिटेट्स के अंदर वॉइस यूज़ ऑफ वॉइस टू अट्रैक्ट द अपोजिट मेट्स इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट। अब बहुत सारी स्पीशीज़ जो फ्रॉग की होती हैं, जैसे सीज़न होता है ब्रीडिंग का, तो एक ही वहाँ अगर नदी या झील है तो उसमें सारी स्पीशी आ जाएंगी तकरीबन, तो अब दूसरी स्पीशी दूसरी को कैसे पहचानेगी, उस टाइम पे आपके पास बहुत ज़्यादा केओस प्रोड्यूस हो जाएगा, तो वहाँ पे स्पीशी को पहचानना और शोर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपके पास जो वोकलाइजेशन होती है यानी कि जब इकट्ठे हो जाते हैं एक ही नदी के अंदर तो दूसरी स्पीशी को कैसे पहचानेगा, विद इट्स साउंड, ठीक है, इसकी आवाज़ के ज़रिए। तो आपके पास इस केओस को ख़त्म कौन करता है, आपके पास वोकलाइजेशन हेल्प टू रिड्यूस दिस केओस कि अपनी स्पीशीज को कैसे वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जी तो बेटे वोकलाइजेशन की फिगर में जाने से पहले कुछ फिगर्स हमारी रह गई थी वो हम देख लेते हैं। जो वाटर कंजर्वेशन होती है न्यूरॉन्स में, यहाँ आप देख सकते हैं बेटे फिगर ए जो है आपके पास, उसमें डे टाइम में दिखाया हुआ फ्रॉग के वो एक दूसरे उसकी टांगें बिल्कुल करीब करीब हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का एक्सपोजर जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम है। हयाला सिनेरिया के अंदर आपको ये नज़र आ रहा है, ये देखें इसकी जो लेग्स हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इसकी जो लेग्स हैं ये बिल्कुल एक बॉडी के बिल्कुल करीब करीब हैं, ये देखें यहाँ पे भी, जिसकी वजह से इसका जो सरफेस है एरिया एक्सपोज वो कम है, जिसकी वजह से इसका वाटर लॉस कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये डे टाइम स्लीपिंग पोस्चर जो इसका, और इसमें क्लोजली टक जो है ना इसकी हैं, टांगें फैलाई हुई नहीं है बल्कि टक हैं बॉडी के साथ, ठीक है। सेकेंड वन जो आपके पास नज़र आ रहा है बेटा आपको वो दैट इज़ ऑस्ट्रेलियन बर्रोविंग फ्रॉग, दैट इज़ आपके पास साइक्लोरैना एल्बिगुटेटस। अब ये जो है ये आपके पास वाटर रिटेनिंग स्किन इसकी होती है और ये देखें अपनी बरो के अंदर ये रिटेन हो गया। तो दीज टू आर द बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ हाउ द फ्रॉग्स एंड न्यूरॉन्स आर एबल टू कंजर्व द वाटर। जी तो बेटे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एम्प्लेक्सिस शो हुआ हुआ है, ठीक है, ये एम्प्लेक्सिस शो हुआ भी आप मेल को देखें, मेल जो है इसने होल्ड किया हुआ है अपनी फोर आर्म से, ठीक है, फीमेल को, नीचे फीमेल है और ऊपर जो है मेल है, ठीक है, ये एम्प्लेक्सिस है और यहाँ से फिर इन्होंने एग्स एंड स्पर्म रिलीज़ करने हैं जिसकी वजह से एग्स और स्पर्म की फ्यूजन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। नेक्स्ट फिगर को देख लेते हैं, फिगर ए, यहाँ पे बेटे आपको स्ट्रक्चर शो किया हुआ है जिसके अंदर आपको ये आपको देखिए लैरिक्स नज़र आ रहा है, ठीक है, वोकल सैक नज़र आ रही है, माउथ कैविटी दिख रही है, ठीक है, टंग दिख रही है, नर्व्स दिख रहे हैं, ये वोकल सैक का इंटरनल, ठीक है, ये वोकल सैक का प्रेशर था, ये वोकल सैक है और ये आपके पास लंग्स हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि एयर जैसे ही यहाँ पे आपके पास ये अंदर आ गई, ठीक है, तो लंग से एयर जो है ना देन फोर्स होगी और यहाँ पे ये वोकल सैक के अंदर जाएगी और वोकल सैक के ऊपर ये सारा वो प्रेशर डालेगी जिसकी वजह से साउंड जो हैं आपके पास प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, यहाँ पर फिर ऐसे साउंड वेव्स जो हैं आपके पास प्रोड्यूस हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, आप यहाँ पे नीचे आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ फिगर के अंदर आपको जी ये साउंड वेव्स हो गई, ठीक है जी। अच्छा, अब इस वाली फिगर के अंदर देख रहे हैं आपको ये दिखाई दे रहा है इसका
वोकल सैग जो बहुत ज़्यादा फूला हुआ है। अक्सर हम उर्दू में कहते हैं ना मेंढक टर्रा रहे थे, तो वो मेंढक की जो टराना है वो क्या होता है, द वोकलाइजेशन ऑफ द फ्रॉग्स। और मैंने तो खैर लिटरली देखा भी हुआ है बरसात के दिनों में, अभी बरसात आने वाली है तो आप लोग भी देखिएगा जहाँ पानी के जौहर वगैरह होते हैं तो वहाँ पर फ्रॉग्स जो हैं स्पेशली शाम के टाइम के ऊपर बहुत सारी आवाज़ें निकाल रहे होते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि उनकी आवाज़ जो है वो फॉर ब्रीडिंग पर्पसेस होती है। ठीक है जी, मोस्ट ऑफ दी देयर वॉइसेस आर फॉर ब्रीडिंग पर्पसेस, लेकिन बाकी भी कॉल्स आपने पढ़ी हैं कौन कौन सी। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं जी। तो बेटे अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो है पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर जो है हमारे पास वो इंक्रीज़ कर देती है चांसेस ऑफ एनी वन एग डेवलपिंग। ठीक है, मतलब किसी भी स्पीशी के अंदर एग डेवलपमेंट के अंदर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो इंक्रीज़ कर देती है उसके चांसेस कि एक एग बहुत अच्छे से डेवलप होकर एक इंडिविजुअल लार्वी के बाद एक इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो आपके पास इसके अलावा इस सिलसिले में जब पेरेंटल केयर की जाती है तो पेरेंट्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, लार्ज एनर्जी एक्सपेंडिचर आता है इस पर। जो कॉमन आपके पास पेरेंटल केयर है एम्फीबियंस के अंदर वो है अटेंडेंस ऑफ द एग क्लच बाय आइदर ऑफ द पेरेंट, यानी को पेरेंट्स में से मेल या फीमेल में कोई भी जो क्या करता है वो जो फर्टिलाइज एग का क्लच होता है वो उसको देखता है। ठीक है, वो अटेंड करता है उसको। अब उसमें क्या क्या चीज़ें देखेगा ये नेक्स्ट आगे बताऊंगी। अब केयर दो तरह की होती है, या तो मेटरनल केयर होगी या पैटर्नल। मेटरनल केयर जो होती है मोस्टली उन स्पीशीज़ के अंदर होती है जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। किन में होती है हमें पता है, सेलेमेंडर्स में होती है और सिसिलियंस में। अब आपके पास दूसरी होती है पैटर्नल केयर। पैटर्नल केयर जो होती है वो उन स्पीशीज़ के अंदर होती है जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। हमें पता है कि मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होती है, एन्यूरन्स के अंदर। अब ये जितनी भी पैटर्नल जो है केयर, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसके अंदर ये छः चीज़ें होती हैं। नंबर वन क्या है कि एरेशन ऑफ द एग्स, एक्वाटिक एग्स, एक्वाटिक एग्स हैं तो उसको एरेशन, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए तो उसकी एरेशन की जाती है। फिर क्लीनिंग ऑफ द एग्स भी ज़रूरी है। फिर इसको मॉइस्चर भी मिलना चाहिए तो मॉइस्टनिंग ऑफ द टेरेस्ट्रियल, अगर टेरेस्ट्रियल एग्स हैं तो उसकी मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़रूरी है तो उसको मॉइस्ट रखना पड़ता है, तो ये भी पेरेंट्स काम कर रहे होते हैं। फिर आपके पास क्या है, उसको प्रोटेक्ट करना प्रीडेटर्स यानी सांप वगैरह या बाकी कोई जानवर जो है इन एग्स को खा ना जाए तो उससे बचाना होता है। इसके अलावा जो डेड एग हो जाते हैं या जो ऐसे एग हैं जिनके ऊपर बैक्टीरिया या कोई ऐसी जर्म्स वगैरह आ जाते हैं जिनको इन्फेक्ट कर देते हैं, उन एग्स का रिमूवल, ये भी पेरेंट्स का काम है। इसके अलावा सिक्स नंबर पर काम क्या है कि कुछ जो स्पीशीज़ होती हैं वो एग्स को ट्रांसपोर्ट भी करती हैं, जैसे कि फीमेल्स है जीनस पाइपा, उसकी जो फीमेल होती हैं वो अपने बैक के ऊपर अंडे रख के मूव करके जाके उसको एक जगह से दूसरी जगह ले के भी जाती है। और आपके पास दो स्पीशीज़ जो हैं आपके पास रियो बेट्रेकस, ठीक है, रियो बेट्रेकस की दो जो स्पीशीज़ थी वो ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन पिछले 30 साल पहले देखी गई थी, डिस्कवर की गई थी, और उनको 1980 के बाद नहीं देखा गया, और हम अभी जब देखा नहीं गया तो हम यही उनको अज्यूम कर रहे हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो रियो बेट्रेकस की जो फीमेल होती है वो टैडपोल को अपने मेदे में, अपने स्टमक में, अपने पेट में रखती है, और जो एग जो आपके पास होता है टैडपोल वो इसके माउथ में से बाहर इमर्ज हो रहा होता है, फीमेल के माउथ में से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि अब इसकी स्पीशी को देखा नहीं गया, हम इसको अज्यूम करते हैं कि एक्सटिंक्ट है, तो हम ये नहीं जान सकेंगे कि क्या फीमेल ने स्वेलो कर लिए थे फर्टिलाइज्ड एग और पेट में जाके डेवलपमेंट हुई उनके उन अंडों में से टैडपोल की, या फिर उसने टैडपोल को ही स्वेलो कर लिया था। खैर जो भी सीन था, जो भी केस था, जो ब्रूडिंग होती है इसकी फीमेल के स्टमक के अंदर, तो जो स्टमक होता है फीमेल का वो फैल जाता है, एक्सपैंड कर जाता है, और उसकी बॉडी का जो इंटरनल जितना भी बॉडी कैविटी होती है मोस्टली वो स्पेस उसकी घेर लेता है। ठीक है, हाँ, इस दौरान वो एक काम ज़रूर करता है स्टमक के, वो जितने भी गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव सिक्रेशंस होती हैं वो पैदा करना बंद कर देता है। क्यों? कॉमन सेंस है कि अगर वो सिक्रेशंस भी जारी रखेगा तो जितने भी एग्स या उसने जो भी टैडपोल डेवलपिंग लार्वी जो उसकी बॉडी के अंदर है, स्टमक के अंदर है, वो डाइजेस्ट हो जाएंगे उन जूसेस की वजह से, तो उस टाइम पे ये डाइजेस्टिव सिक्रेशंस रिलीज़ नहीं करता। और दो जो आपके पास कंडीशंस हैं, वीवीपैरिटी एंड ओवोवीवीपैरिटी, ऊपर तो हमने सारी ओवोपैरिटी डिस्कस की है ना, तो यहाँ पे ओवीपैरिटी डिस्कस की है, तो यहाँ पे वीवीपैरिटी यानी कि गिव बर्थ टू द यंग वंस एंड ओवोवीवीपैरिटी, यू नो दैट, ऐसे एग्स ले करना जिनके अंदर पहले से डिवेलप यंग वंस मौजूद हों, ओवोवीवीपैरिटी। ये दोनों कंडीशंस जो होती हैं ये प्राइमरीली या तो सेलेमेंडर्स में देखी जाती हैं या सिसेलियंस में देखी जाती हैं। ठीक है, बेटे ये तो आपके पास पेरेंटल केयर के हवाले से होगा। ये थोड़ी सी फिगर को देख लीजिए, या आपको जो फिगर नज़र आ रही है 19.18, इस फिगर के अंदर आपको फीमेल रियो
मेट्रेकस नज़र आ रही है, जिसके माउथ में से, ये आप देखें, ये इसके माउथ में से टैडपोल लार्वी जो है ना बाहर निकल रहा है, इमर्ज हो रहा है। तो 1980s के बाद इसको नहीं देखा गया, तो इसको हम कंसिडर करते हैं अभी ये स्पीशी तकरीबन ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं बेटे, दैट इज़ मेटामॉर्फोसिस। जी तो अब हम देख लेते हैं बेटे मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस जो है आपके पास ये बेसिकली एक सीरीज़ है एब्रप्ट स्ट्रक्चरल फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस की, यानी कि इसके अंदर क्या होता है आपके पास स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होती हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसकी फिजियोलॉजिकल यानी उसके जो काम करने का तरीका है वो भी चेंज होता है, और बिहेवियर में भी तब्दीली आती है, ठीक है। और ये सारा कुछ ट्रांसफॉर्म कर देता है लार्वा इनटू एन अडल्ट। दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मेटामॉर्फोसिस। अब जो मेटामॉर्फोसिस है, बहुत सारी कंडीशंस हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस जो कि आपके पास मेटामॉर्फोसिस की जो टाइम है उसको इन्फ्लुएंस करती हैं, लाइक क्राउडिंग, फूड अवेलेबिलिटी, और जो है ना ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं आपके पास टाइम रिक्वायर्ड फॉर द मेटामॉर्फोसिस। अब मोस्ट डायरेक्टली जो है आपके पास मेटामॉर्फोसिस जो होती है वो कंट्रोल की जाती है फ्रॉम द न्यूरोसिक्रीशंस ऑफ द हाइपोथैलेमस या फिर हार्मोन्स ऑफ द एडिनो हाइपोफाइसिस जो कि आपके पास एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, या फिर थायराइड ग्लैंड। तो बेसिकली आपके पास ये तीन चीज़ें हैं जो कि कंट्रोल करती हैं आपके पास मेटामॉर्फोसिस को। क्या है जी? एक हाइपोथैलेमस है, दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड, और तीसरा थायराइड ग्लैंड। अच्छा, अब जो जितनी भी मॉर्फोलॉजिकल यानी इसकी शेप में चेंजेस आएंगी वो एसोसिएटेड जो होती हैं मेटामॉर्फोसिस की, वो आपके पास सिसिलियंस या सेलेमेंडर्स के साथ वो बहुत कम होती हैं, बहुत थोड़ी होती हैं, यानी कि इतनी ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस नहीं आती हैं सिसिलियंस और सेलेमेंडर्स में। लेकिन अगर आप उसका जिक्र करते हैं एन्यूरा का, उसके अंदर बहुत एब्रप्ट ड्रामेटिक चेंजेस आती हैं। अगर तो हम जिक्र करते हैं सेलेमेंडर सिसिलियंस का, तो उसके अंदर आपके पास क्या चेंजेस आएंगी? ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे, गिल्स ख़त्म हो जाएंगे, या फिर कॉडल फिन अगर है या था तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये चेंजेस आती हैं आपके पास सेलेमेंडर सिसिलियंस के अंदर। और एन्यूरा के अंदर अगर हम चेक करते हैं तो एन्यूरस के अंदर जो चेंजेस होती हैं वो बहुत क्वाइट ड्रामेटिक होती हैं, जिसमें टैडपोल कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ स्मॉल फ्रॉग। अब इसमें जो चेंजेस अगर उसको लिस्ट किया जाए तो क्या होता है जी? लिम्स एंड लंग्स डेवलप होते हैं, टेल रीअब्जॉर्ब हो जाती है, स्किन थिक मोटी हो जाती है, एंड मार्क चेंजेस इन द हेड, हेड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल चेंजेस आती हैं। और इसके अलावा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, क्योंकि आपको पता है इसकी न्यूट्रिशन पहले कुछ और थी, पहले ये हर्बीवोर था और अब ये कार्निवोर में कन्वर्ट हो गया। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज हुआ तो डाइजेस्टिव ट्रैक भी चेंज होगा। अब हम देख लेते हैं पीडोमॉर्फोसिस। तो मैकेनिक्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस जो है ना वो एक्सप्लेन करती है कि पीडोमॉर्फोसिस एम्फीबियंस में कैसे होती है। कुछ सेलेमेंडर्स जो हैं आपके पास, उनके अंदर पीडोमॉर्फोसिस इस वजह से होती है क्योंकि उनके जो सेल्स हैं सेलेमेंडर्स के वो फेल हो जाते हैं, वो थायराइड हार्मोन के साथ रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, यानी कि हार्मोन आ रहा है उनको टारगेट कर रहा है और चेंजेस करवाने की कोशिश कर रहा है, बट सेल्स आर फेल टू रिस्पॉन्ड, ठीक है। एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह क्या हो सकती है? दूसरी वजह आपके पास ये हो सकती है कि दे फेल टू रिप्रोड्यूस द हार्मोन्स, ठीक है। आपके पास जो मेटामॉर्फोसिस में रिक्वायर्ड हार्मोन्स है वो पैदा ही नहीं होते। पहला क्या था जी? कि सेल्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द थायराइड हार्मोन, इस वजह से मेटामॉर्फोसिस नहीं हो रही, ठीक है, इस वजह से पीडोमॉर्फोसिस हो रही है। और यहाँ पे दूसरी क्या रीज़न हो सकती है? कि आपके पास जो मेटामॉर्फोसिस से एसोसिएटेड हार्मोन्स है वो पैदा ही नहीं हो रहे हैं। और कुछ सेलेमेंडर्स की जो फैमिलीज हैं वहाँ पे मेटामॉर्फोसिस इज़ द रूल, मेटामॉर्फोसिस ही होनी है। और कुछ और सेलेमेंडर्स की फैमिलीज हैं मेटामॉर्फोसिस इस वजह से होती है कि वो एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है ना उसको सूट कर रही होती हैं, तो वेरिएबल एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से आपके पास मेटामॉर्फोसिस होती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दी मेटामॉर्फोसिस। अब हम एक फिगर को एक्सप्लेन कर देते हैं बेटे, इसमें मेटामॉर्फोसिस आपको दिखाई दी है जी। तो बेटे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको लाइफ साइकिल ऑफ दिखाया हुआ है लेपर्ड फ्रॉग, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ लेपर्ड फ्रॉग आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको उसकी डिफरेंट स्टेजेस दिखाई गई हैं जी। तो बेटे हम स्टेजेस इसकी देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखें सेक्सुअली मैच्योर जो फ्रॉग होता है तकरीबन ये 3 ईयर्स का, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि मेल और फीमेल फ्रॉग जो हैं वो करीब आते हैं, और जो मेल और वो वोकलाइजेशन और बाकी सारी चीज़ें आपको पता है, मेल क्लास करता है फीमेल को, ठीक है। एम्प्लेक्सेस होती है, एग की फर्टिलाइजेशन होती है। देखें आप यहाँ पे ये एम्प्लेक्सेस है और यहाँ पे मेल के स्पर्म्स आ रहे हैं, फीमेल के एग आ रहे हैं, दोनों फ्यूजन होकर फर्टिलाइजेशन हो गई है। और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर आपके पास जायगोट डेवलप हो गया है जो कि जेली उसको कोट कर लेती है टू प्रोटेक्ट इट। फिर इसके बाद बेटे क्लीवेज शुरू हो जाएगी, ठीक है, फर्दर स्टेप्स में। और साथ में आपके पास एम्ब्रियो जो है ना उसकी नरिशमेंट शुरू हो जाती है योग के जरिए, साथ ही में आपको यहाँ पे टेल भी डेवलप होती नज़र आ रही है। और साथ में फिर आपके पास फीडिंग, इसके बाद जब टेल डेवलप हो जाती है और गिल्स एक्सटर्नल डेवलप हो जाते हैं
तो आपके पास फीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, टैडपोल लार्वा फीड करेगा एल्जी वगैरह के ऊपर, और स्किन फोल्ड जो है वो ग्रो करती है एक्सटर्नल गिल्स के ऊपर, और वाटर एग्जिट होता है फ्रॉम स्पायरकल्स, या आपको अगली फिगर में स्पायरकल्स भी नज़र आ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, अगले हिस्से में आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें हाइंड लिम्स भी डेवलप हो गए हैं और फोर लिम्स भी बढ़ना शुरू हो गए हैं, और उसके बाद आपको टेल गायब होती दिखाई देगी, ठीक है। टेल शॉर्टन हो जाती है, रीअब्सॉर्ब हो जाती है, और ये मेटामॉर्फोसिस तकरीबन कंप्लीशन की सेंस में पहुँच जाएगी। देखिए अब दोबारा यहाँ पे एडल्ट बन गया, तो अगेन फिर जब ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा तो ये साइकिल रिपीट एंड री रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास लाइफ साइकिल है मेटामॉर्फोसिस का, या सॉरी लाइफ साइकिल है आपके पास लेपर्ड फ्रॉग का, और ये आपके पास मेटामॉर्फोसिस की डिफरेंट स्टेजेस शो कर रहा था आपको यहाँ पे जी। तो इसी के साथ एवोल्यूशन प्रेशर्स जो हैं आपका इख्तिताम पज़ीर होता है, लेकिन जो शुरू में चैप्टर की मैंने बात की थी कि आजकल आप देखें तो एम्फीबियंस की जो है पॉपुलेशन वो ड्रास्टिकली उसमें डिक्रीज आ रहा है, ठीक है। तो एम्फीबियंस ख़तरे में हैं, ठीक है, थ्रेट है उनको, और ये जो अलार्मिंग रेट से डिसअपियर हो रहे हैं सेलेमेंडर्स और फ्रॉग्स, इसकी रीज़न जो है ना एग्जैक्टली अभी तक नहीं पता चली। कुछ हम कह सकते हैं ऑब्वियस ये कि आपके पास लोकल इवेंट्स जो हैं वो काउंट करते हैं इसकी कमी को, लाइक जैसे आपके पास इसका जो दरख्तों को जो आप काटते हैं या जंगल को काटते हैं तो उसके नीचे जो मॉइस्ट हैबिटेट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा माइनिंग, ड्रिलिंग, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, अर्बन स्पॉन यानी कि आपके पास जो शहरी आबादी का बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें उसके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करती हैं और बाइस बनती हैं उसकी पॉपुलेशन में डिक्रीज़ का। एम्फीबियंस की जो पॉपुलेशन डिसअपियर हो रही है वो आपके पास पूरी दुनिया से वास्ट एरियाज़ में हो रही है, बल्कि ऐसे रिमोट एरियाज़ में भी जहाँ पर कोई लोकल डैमेज अभी तक देखा नहीं गया वहाँ पर भी ये हो रही है। दो मज़ीद अगर इसमें जिक्र किया जाए वजूहात का कि जो इस मामले में मुजरिम की हैसियत रखती हैं, एक तो आपके पास आ जाएगी एसिड डिपोजिशन यानी एसिड रेन, और दूसरी आ जाती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। तो एसिड डिपोजिशन और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो हैं आपके पास वो डिस्ट्रॉय करते हैं एम्फीबियन के एम्ब्रियोज़ को, उनके एग्स को। एम्फीबिया का जो एम्ब्रियो है वो आपके पास पीएच चेंजेस बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आपके पास पीएच 5 से लेस होगी तो मोस्टली जो है ना आपके पास एम्ब्रियोज़ की डेथ हो जाएगी, और मोस्टली जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर्स हैं वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो 100% मोर एसिडिक हो चुका है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन 1960s से पहले वहाँ पे इतनी ज़्यादा पीएच नहीं थी, अब वो 100 times मोर ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो अब ये चीज़ें तो वहाँ की जो आपके पास एम्फीबियन की पॉपुलेशन है उसकी डेंजरस है, ऑब्वियसली उनकी स्पीशीज़ आगे नहीं बढ़ेंगी। और सेकेंड जो है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है तकरीबन 280 से 320 nanometers की जो रेंज के, जिसको हम UVB कहते हैं, आपको पता है UV की या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की टाइप्स हैं डिफरेंट, UVA, UVB, UVC। तो UVB जो है जिसकी रेंज 280 से 320 nanometers की रेंज है वो किल कर देती है, ख़त्म कर देती है, मार देती है एम्फीबियंस के एग्स और एम्ब्रियोज़ को। और दूसरे पोल्यूटेंट्स भी जो कि आपके पास एसिड रेन में हेल्प करते हैं या ओजोन लेयर डिप्लीशन में हेल्प करते हैं, वन वे और द अदर जो है ना एम्फीबियन पॉपुलेशन की रिडक्शन का बायस है। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन इन प्रॉब्लम्स को जो लाहक हैं जो कि एम्फीबिया की पॉपुलेशन को, सिर्फ उसको अकाउंट करने के लिए काफ़ी नहीं है। बहुत सारे आपके पास ऐसे रिमोट एरियाज, ट्रॉपिकल रीजन्स जहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं है जो भी हमने ऊपर डिस्कस की हैं, वहाँ पर भी स्वीयर डिक्लाइन आ रहा है एम्फीबियन की पॉपुलेशन में, और इसकी जो कॉज है वो अभी तक अननोन है, ठीक है, स्टिल अननोन है। तो गवर्नमेंट्स को और डिफरेंट फंडिंग एजेंसीज को चाहिए कि वो इसके ऊपर फंड्स प्रोवाइड करें ताकि साइंटिस्ट जो है इसकी जो कॉजेज हैं कि वहाँ क्यों डिप्लीशन आ रही है इनकी, वो चेक कर सके, उस पर रिसर्च कर सके। तो इट्स स्टिल अ डिबेटेबल टॉपिक जी। तो बेटे अब हम मेटामॉर्फोसिस के जो इवेंट्स हैं फ्रॉग के अंदर राइना टेम्पोरेरिया के अंदर यहाँ पे आपको फिगर 19.19 के अंदर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप देखें कि आपके पास मेटामॉर्फोसिस से पहले जो है ना प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन होती है जो कि आपके पास कंट्रोल होती है हाइपोथैलेमस से, ठीक है, जो कि एडिनो हाइपोफाइसिस कहलाता है, और ये प्रमोट करता है ग्रोथ किसकी, लार्वल स्ट्रक्चर्स की। जब लार्वल स्ट्रक्चर्स की ग्रोथ प्रमोट हो रही है तो फिर नेक्स्ट अगली स्टेज आ जाएगी, और फिर इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि आपके पास TSH प्रोड्यूस होता है, ठीक है। TSH क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है प्रोलैक्टिन की फर्दर ग्रोथ को, और फिर मजीद वो क्या कर देता है, TSH थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा, थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन जो है ये फिर एडल्ट आपके पास, क्योंकि आपको पता है ग्रोथ में रोल है थायरोक्सिन का, इसको एडल्ट में कन्वर्ट करा देती है, और फिर एडल्ट दोबारा से फर्टिलाइजेशन करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, और ये दोबारा से साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये जो मैंने आपको लाइफ साइकिल एक्सप्लेन किया है ये विद रिस्पेक्ट ऑफ द रोल ऑफ वेरियस न्यूरो सिक्रेटरी न्यूरो सिक्रेशंस
प्लस द डिफरेंट काइंड ऑफ द हार्मोन प्रोड्यूस बाई थ्री मेजर ऑर्गन जो आपको बताए थे. एक मैंने बताया था पिट्यूटरी का एडीनो मतलब उसका एंटीरियर लोब एडीनो हाइपोफाइसिस. दूसरा मैंने क्या बताया था आपको दैट इज़ अबाउट दी थायराइड ग्लैंड ठीक है जिससे आपके पास थायरॉक्सिन रिलीज होगी. लेकिन प्रोलैक्टिन जो है ना वो आपके पास जो सिक्रीशन कंट्रोल हो रही है वो हाइपोथैलेमस के साथ साथ उसकी यूरिन सिक्रीशन से कंट्रोल होती है. तो आपके पास हाइपोथैलेमस जो है आपके पास वो रिलीज़ करेगा ऐसे यूरिन सिक्रीशन जो कि प्रोलैक्टिन की रिलीज़ का बायस बनेंगे. और प्रोलैक्टिन जो है वो आगे से फिर TSH और बाकी फर्दर मतलब आगे सिक्रीशन का बायस और कंट्रोल का बायस बनेगा. तो बेसिकली तीन जो चीज़ें थी आपके पास हाइपोथैलेमस से न्यूरोसिक्रीशंस रिलीज़ होती हैं जो कि कंट्रोल करती हैं आपके पास प्रोलैक्टिन को. और प्रोलैक्टिन जो है उसकी वजह से लार्वल स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं. लार्वल स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं तो TSH बनता है और TSH प्रोलैक्टिन की ग्रोथ को या उसकी प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देता है. और साथ में स्टिमुलेट किसको करता है थायरॉक्सिन को ठीक है. फिर थायरॉक्सिन बन जाती है थायरॉक्सिन से दोबारा ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये साइकिल रिपीट होता रहता है ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट द इवेंट्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन द फ्रॉग. That was all for today, bete. Thank you for your attention and time. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.